गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो बना के शेयर किए थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे। आज मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहूँगी और आप लोग को एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन सर्किट को सॉल्व करवा के दिखाऊँगी ऑन किट बोर्ड पे। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है यहाँ पे इंजीनियरिंग लैब एंड दिस इज़ द सेटअप ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। सो वी विल स्टार्ट एट दिस। ये हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन किट है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मैनुअल है। तो कल आपको बताया मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या था। हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारा जो एम्पलीट्यूड था विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल, वो वेरी कर रहा था। आज हमारे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी वेरी करेगी और एम्पलीट्यूड उसका सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करेगा। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। यही मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये हमारा किट है। यहाँ पे हमारा AF सिग्नल गिवन है, जो लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल होता है। ये AF सिग्नल है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। इस फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल है वो सर्किट में इनबिल्ट है। इनबिल्ट का मतलब है सर्किट के अंदर ही गिवन हमारा मैसेज सिग्नल है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस ये कनेक्शन AF सिग्नल है, जो AF सिग्नल को यहाँ इनपुट दे दे। और जो ये प्रोब्स हैं ये हमें ग्राउंडिंग से कनेक्ट करनी है। ये प्रोब मैंने ग्राउंड कर ली। ये मतलब प्रोब 1 एंड प्रोब 2, ये दोनों मैंने ग्राउंड कर दी। तो आप जो इनपुट सिग्नल है वो चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑडियो सिग्नल है, ये हमारा ऑडियो सिग्नल दिखा रहा है। और मैं जो हमारा कैरियर सिग्नल है, ये आपका ऑडियो सिग्नल है, ये चेक किया। जो कैरियर है, जब हम इसमें कोई भी इनपुट नहीं देंगे तो जो मॉड्यूलेटेड पार्ट है इस टाइम पे यहाँ पे कैरियर शो करेगा हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल। ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी 64 किलोहर्ट्ज़, तो ये हमारा कैरियर सिग्नल है हाई फ्रिक्वेंसी का। अभी जब मैंने आपको ऑडियो AF सिग्नल दिखाया था, ये लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल था। ये लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल था, इसकी वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये लगभग 1 किलोहर्ट्ज़ 2 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है, 2 किलोहर्ट्ज़ का, और वो हमारा 64 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल था कैरियर। जब हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन सर्किट में AF सिग्नल इनपुट देते हैं, तो जैसे जैसे हम ऑडियो सिग्नल वेरी करवाते हैं, ये हमारी ये फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है सिग्नल में। मतलब कहीं पे आपकी फ्रिक्वेंसी हाई दिखा रहा है, कहीं पे फ्रिक्वेंसी लो दिखा रहा है। तो ये हमारा एंड इसका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो हम इनपुट सिग्नल को वेरी करवाएंगे, ये वाला इनपुट सिग्नल, वैसे वैसे इस सिग्नल में भी चेंजेस आएंगे।
ये वाला इनपुट सिग्नल जैसे जैसे वेरी होगा तो हमारे सिग्नल में भी चेंजेस आएंगे, ये है। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कम कर लो, ये जो फ्लक्चुएशन है ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ठीक है। इस टाइम पे भी हमारा जो सिग्नल होता है हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है मॉड्यूलेटेड पार्ट में। ये आप कनेक्शन देख सकते हैं, ये आप सिग्नल इनपुट करवाया है, यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये वेरी कर रहा है आपका। फिर आपको क्या करना है, जो आपका एफ सिग्नल है, जो आपका मॉड्यूलेशन जो पार्ट है, मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है उसको हमें डिमॉड्यूलेटर पार्ट में इनपुट करवाना है। अब ग्राउंड से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ग्राउंडिंग आपकी मेन है। मैंने कल भी बताया था आप लोग को कि जब हम सिग्नल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें सर्किट को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इस वाले में भी क्या होगा, हमारा एक इनपुट सिग्नल होगा और एक आउटपुट सिग्नल होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। इनपुट तो हम ये चेक कर लेंगे जो हमारा एफ सिग्नल है, और आउटपुट हम यहाँ पर चेक करेंगे। ये देखिए, आप लास्ट में जब मॉड्यूलेशन पार्ट को डिमॉड्यूलेशन से कनेक्ट करते हैं तो हमें मिल गया ये वापस वही सिग्नल जो हमने रिसीविंग एंड से सेंड किया था। एफ सिग्नल हमने जो सेंड किया था वही हमें आउटपुट में मिल गया है, सेम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है दोनों, 2 किलोहर्ट्ज़ 2 किलोहर्ट्ज़। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप मैनुअल में भी चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको सिग्नल दिखाया। ये हमारा कैरियर सिग्नल मैंने आपको दिखा दिया था, ये हमारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, और ये वाला हमारा है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आप ये देख सकते हैं, जहाँ पे गैप ज़्यादा है तो ये लो फ्रिक्वेंसी है, और जहाँ पे गैप कम है ये हाई फ्रिक्वेंसी है। ऐसे ही ये चल रहा है, लो हाई लो हाई लो हाई के इसमें। जैसे ये लो हाई का भी क्या मतलब है, यहाँ पे सिग्नल लो है तो यहाँ फ्रिक्वेंसी लो है, यहाँ फ्रिक्वेंसी हाई दिखा रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हाई है, फिर लो फिर लो, जैसे हाई गया हाई फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये ऐसे ही हमारा सिग्नल वेरी करता है। नेक्स्ट जब हमारा डिमॉड्यूलेशन पार्ट आता है, डिमॉड्यूलेशन पार्ट में भी हमारा सिग्नल, जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा वही हमें डिमॉड्यूलेशन में वहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ये मैंने आपको DSO में दिखा दिया है करके। थैंक यू।